बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 10 जो पार्ट है, मेन सबसे जो लास्ट वाला इसका पार्ट है, वो आपके सामने पेश है और उसको हमने सॉल्व किया है यूजिंग कंप्लीटिंग स्केल से। मेथड है, यू नो 10th के मैथ में एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी के मुताबिक हमने इसको किया है। इसको स्टार्ट करते हैं, वो मैंने पहले लिखा हुआ है, चेक कर लें। अब मैं इसको साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ भी आती रहे और साथ साथ आप इसको समझ भी लें। लिखा हुआ है 7 × x + 2a। x प्लस 2a जो है वो होल स्केयर में है, प्लस 3a स्केयर है, प्लस 3a स्केयर में है, उसके बाद इक्वल है 5a इंटू 7x + 23a। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखते जी, हमने यूजिंग, याद रखना है कि यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर करना है। तो सबसे पहले इसका स्केयर ओपन करते हैं, तो जो कीजिएगा 7 लिखेंगे ऐसे ही, तो इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट का स्केयर जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, प्लस सेकंड का स्केयर, ये प्लस है तो प्लस आएगा फार्मूले का 2 × फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म आ जाएगी 2 में, ये हमारा कंप्लीट स्केयर हुआ। उसके बाद प्लस 3a स्केयर सेम लिखेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35 विद ए एक्स, प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं तो 7 × x² + 4a² + 2×4ax, ए एक्स प्लस 3a² इसको मैं ले आऊँगा अदर एंड पे और इनकी साइन को चेंज करके इक्वालिटी में 0 कर दूंगा तो −35 ax − 115 a² = 0। ये हमारा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब 7 को इन 2 से मल्टीप्लाई करना है डेढ़ साल, तो यहाँ पे देखें 7x² + 7 4 × 28 a² फिर 4 है तो 7 4 × 28 ax + 3a² − 35 ax − 115 a² = 0। ये बढ़ जानी हमारा जो है स्टेप मुकम्मल हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको प्लस माइनस करना है। तो देखिए ज़रा, आपके पास x² है, x² कोई भी और वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x², उसके बाद हमने ए एक्स में लेना है, यानी कि एक्स वाली वैल्यू लेनी है, तो ये 28 ये दिया 28। अब उसके बाद हमारे पास ए एक्स ये है −-35 ए एक्स, ये दो ही वैल्यू है ए एक्स में, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस करते हैं इसको, तो आप चेक कर लें 15 में से जब आपने 8 को माइनस करना है तो चेक कर लें 9, 10, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो माइनस का आएगा। ये हमारे पास हो गया। अब हमने सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू ले दी है, जो कि ये 28 है, 28 प्लस ये 3 है, तो इसको पहले काट लेते हैं 31, उसके बाद ये माइनस है −115 a² और साथ लिख लेंगे 31 a². अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 में से 1 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अच्छा 10 में से ये 7 आ जाएगा, तो 8 a² 84। ये हमने प्लस माइनस किया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पहले सबसे 7x² लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा −7 जो कि हमारे पास ए एक्स टर्म में है ए एक्स, उसके बाद मैं लिखूंगा ये हमारे पास आ रहा है −-84 a²,
ये हमने तमाम के तमाम जो है वो लिख लिए हैं प्लस माइनस करने के बाद, और इक्वल में लिख दूंगा जीरो, इसको मैंने प्लस माइनस कर दिया है। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, नहीं फैक्टराइज नहीं करना बल्कि हमने कंप्लीटिंग स्केल करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है आप देख लें, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको जब करते हैं तो देखिएगा जरा, 7 जो है ये स्केल में नहीं है तो x स्केल में है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 7 को बोथ साइड्स पे। साथ लिख भी लेता भी ठीक है कि डिवाइड बाय 7 बोथ साइड्स, या फिर मल्टीप्लाई 1/7 बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी कैंसिल है ए एक्स माइनस। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 1 टाइम 2 7 2 टाइम 14 और साथ ए स्क्वायर इज इक्वल 0 7 0। अब बेटा यानी यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब हमने यूज करना है कंप्लीटिंग स्केयर। जब हम कंप्लीटिंग स्केयर की बात करते हैं तो ये हमारा एक मेथड है और इसी से करते हैं। अब देखते हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस ए एक्स इज इक्वल 12 ए स्केयर, जो इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको मैं ले गया हूँ इक्वल के अदर एंड पे, उसकी साइन को चेंज कर दिया है डेढ़ सा। अब बेटा यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये इसको हमने कंप्लीट स्केयर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट का स्केयर लेंगे, ये मैंने इसका स्केयर लिया। अब ये हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे फार्मूले का, और इन टू में जो भी हमारे पास फर्स्ट थी एक्स वो लिख लिया। अब यहां पे क्या आएगा, अब यहां पे वो चीज आएगी जिसको हमने इसमें ऐड करना है, और जो चीज किसी भी इक्वेशन में ऐड करते हैं उसी को सबट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि उस इक्वेशन की जो इक्वलिटी है वो सेम रहे, तो बैलेंस में रहे। तो अब देखते हैं, अब देखना ये है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स उसका जो कॉफिशियंट है वो क्या है, वो हमारे पास है ए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ, तो ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमारे पास, अगर इसको ऐड करते हैं इसमें तो ये हमारा कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओवर 2। अब इसी को हमने प्लस करना है ए ओवर 2 का स्केयर, और इसी को ही माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है या अदर एंड पे जाके इसको कर दें, आपकी मर्जी है। हम तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए ओवर 2 का स्केयर इज इक्वल 12 ए स्केयर। अब देखे जरा ये जो चीज है, इतनी मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना। ये जो हमारे पास है ये अगर देखें गौर से तो ये कंप्लीट स्केयर बन चुका है। अगर ये कंप्लीट स्केयर बन चुका है तो हमारे पास जो वैल्यू है इसके साथ ये ए और टू होल स्केयर जो माइनस है ये बच गई है, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे तो क्या कर देंगे, इसको अदर एंड पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो जगह कम है, इसलिए मैं इसको इसी स्टेप में कर रहा हूँ, इसको प्लस कर दूंगा ए ओवर 2 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये तो आपने लिख देना है ऐसे ही एक्स, ये माइनस है तो ये माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर और इज इक्वल 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है इससे आगे, इससे आगे हमने छोटा सा काम करना है, देख ले जरा। अब इसको हमने एलसीएम लेना है, ये ऐसे लिख देंगे तो ये लिख देंगे एक्स माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे, बल्कि मैं यहां पे लिख लेता हूं 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4, इसका एलसीएम लेंगे ओवर 1 कर देंगे, एलसीएम आएगा 4, 1 4 टाइम और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो यह आएगा 48 ए स्क्वायर प्लस 4, 1 टाइम 4 होता है और 1 को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, तो एक्स माइनस ए ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। ये बेटा यानी हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल, प्लस कर देंगे तो 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब बेटा यानी ये हमारे पास आ गया है, अब हमने इस स्केयर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये मैं रेज कर रहा हूं
आपने अगर इसको रीचेक करना हो तो वीडियो को रिवर्स करके चेक कर दीजिएगा। अब जी, अब क्या करना है, हमने इसको करना है, लिखना है। बल्कि आप लिखे स्टेटमेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर टू, ये कैंसल आउट, ये आ जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल प्लस माइनस 7 ए ओवर 2, ये हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब एक छोटा सा काम करना है, अब हमने इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये लिखूंगा x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल प्लस माइनस 7 ए ओवर 2। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जब वो साइड पे स्केयर रूट लेते हैं तो उसको स्किप करें या ना करें तो इक्वल में क्या होता है, इक्वल में हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस में वैल्यू, रूट्स आ जाते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी इस पे मैं मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा। अब इसको ले जाऊंगा अदर एंड पे, तो x इज इक्वल माइनस है, प्लस हो जाएगा a ओवर 2 प्लस माइनस 7 a ओवर 2, x इज इक्वल एलसीएम लूंगा 2, तो 2 वन टाइम 1 a प्लस माइनस तो 7 a। अब देखिएगा जरा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल a प्लस 7 a ओवर 2 और x इज इक्वल a माइनस 7 a ओवर 2। मैंने क्या किया, इसको a प्लस माइनस है, इसको एक बार प्लस कर लिया, यहां पे इसको माइनस कर लिया। आप ऐसे कीजिएगा, अब इसको करेंगे तो प्लस क्या आएगा, यह आएगा 8 a ओवर 2 टू 4 टाइम x इज इक्वल 4 a, ये हमारा एक आंसर। इसी तरह अदर को देखते हैं, वो क्या आता है, x इज इक्वल a, अच्छा ये माइनस है तो यहां पे आ जाएगा माइनस, ये 1 है ये 7 है तो माइनस 6 a ओवर 2 टू 3 टाइम आ जाएगा, तो x इज इक्वल माइनस 3 a, एक हमारा आंसर ये आ गया। इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो 4 a होगा और माइनस 3 a, ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हमने किया है जी यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्रिप्ट, किया है ये बड़ा एक ऐसा मेथड है जो कि अक्सर एनुअल एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको आपने समझना है, इसको आपने बार बार देखना है। सबसे इसमें एक बात याद रखने वाली है, जब हमने कंप्लीट स्केयर करना है तो जो कोफिशिएंट होता है एक्स का, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ, और जो भी वैल्यू आए हमारे पास उसी को हमने इक्वेशन में ऐड भी करना है और उसी को हमने माइनस भी करना है, ताकि इक्वेशन का जो बैलेंस है वो सेम रहे, उसके बाद हम उसको आगे लेके चलना है। तो मेरा चैनल तनवीर दूर ऑफिशियल, याद रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।